उदयपुर का ये सबसे बड़ा हरियाली अमावस का मेला, जहाँ लाखों में लोग घूमने के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं बच्चे अक्सर घूम रहे हैं और बच्चे जो है यहाँ हेल्प डेस्क में मिल रहे हैं लगातार। नगर निगम के हेल्प डेस्क में बच्चों इस बार मेले में क्या नया लेके आए हैं और मेला किस प्रकार से देख रहे हैं आप? मेला ऑफिस से आकर संपर्क करें। इतने स्टॉल लगे हैं कि देखने लायक है या पैर रखने की जगह भी है। लोगों में बहुत उत्साह है और ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर महिला पुरुष बच्चे सब यहाँ भाग ले रहे हैं और सब में ये है कि मेले को हम जैसे ज्यादा अच्छा बढ़िया बनाए और ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लेते हैं। और एक हरियाली जो वाक्य में उदयपुर में पूरी हरियाली हुई है उसका पूरा हरियाली देखने को मिल रही है जो आज बारिश से और यहाँ हरियाली चार चांद लगा दिए बारिश से, उससे और माहौल बहुत बढ़िया हो गया। और हम सब 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 पार्षद यहाँ पर एक मेले का आनंद ले रहे हैं और रबड़ी बाग जो खाए और हमको कई प्रकार के व्यंजनों का आनंद मिला है। जी बाबरवाल जी, सबसे पहले हेल्थ की आवाज़ का मीडिया सेंटर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो है ये मेला है जो चम्मच से चला आ रहा है और सबसे बड़ी बात है इस बार भी विद्यासागर पिछोला सारी लेक भर चुकी है और लोगों में बारिश से और लोग अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा सारी व्यवस्था है और किसी भी प्रकार का भीड़ भाड़ है वो ध्यान दीजिए, दिक्कत नहीं होगी। सारी सावधानी रखी जा रही है। यहाँ पर खाने पीने के व्यंजन की दुकान है, कपड़े की दुकान है और बहुत सारी दुकानें लगी हुई है और लोग बाग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आइए मिलते हैं जैन साहब से जो मनोनीत पार्षद है। काफी देर से आप बैठे हैं, क्या क्या आपने यहाँ देखा है? हर वर्ष की बर्फी लगातार यहाँ पर मेला जो है वो चल रहा है। मेले में सभी का स्वागत। कैसा रहा मेला? छोटा बच्चा ने अपना नाम हिमांशु लाजवाब हिमांशु बता रहा है और गले में एक इसके जो राजधानी में कहते हैं मादलिया कुछ धागे पहने हुए हैं। अरे लाल धागा है, काला धागा है, चप्पल पहनी हुई पीले रंग की